हेलो एवरीवन, वेलकम टू माने जीएस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्ति। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से व्यक्ति थे, इनकी क्या प्रमुख गुण है, इन्होंने राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन में अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी और क्या राष्ट्र निर्माता भी थे। तो प्रमुख व्यक्तित्व में सुभाष चंद्र बोस 1894 से 1945 तक ये रहे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बंगाल के, यानी हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक संक्षिप्त छोटी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें है ये बंगाल के कायस्थ, यानी जो बंगाल के कायस्थ थे, और क्या है भारतीय सिविल सेवा से, क्या सुभाष चंद्र बोस ने क्या आपका भारतीय सिविल सेवा, यानी इंडियन सिविल से भारतीय सिविल सेवा से क्या त्याग पत्र देकर क्या असहयोग आंदोलन में भाग लिया। किसने भाग लिया, आपका सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वो भी सिविल सेवा, जो अब उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण किया था, तो उस सिविल सेवा परीक्षा को क्या है उन्होंने वहां से त्याग पत्र देकर अपने क्या है भारतीय राजनीति के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। और क्या 1938 में, कब 1938 में, हरिपुरा, हाँ 1938 में आपका हरिपुरा, एवं क्या 1939 में क्या त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता की, किसी इसके अध्यक्ष की 1938 में क्या हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता की, यानी ना कांग्रेस की आपका कांग्रेस की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट की कमान संभाली। और 1939 में ही क्या है कांग्रेस के, अब देखो 1939 में ही क्या है कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर क्या है 1939 में क्या कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर उन्होंने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये देखिए ना आपका, ये हो गया आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और देखिए जनवरी 1941 में भारत से पलायन कर, यानी वो क्या है आपका इंडिया से बाहर जाकर क्या है जर्मनी, याद ना जर्मनी यूरोप में है ना, जर्मनी पहुंचे और वहां से 1943 में क्या सिंगापुर पहुंचे। देखिए यूरोप में जर्मनी से होते हुए क्या सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचा आपका सिंगापुर पहुंचे 1943 में सिंगापुर पहुंचे। और क्या सिंगापुर पहुंचने के बाद क्या वहाँ आजाद हिंद फौज, ये देखना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। किसने किया आपका सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या नारा दिया, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और क्या नेताजी के नाम से लोकप्रिय थे सुभाष चंद्र बोस, किन के नाम से लोकप्रिय थे आपका नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय थे। उसके बाद है 18 अगस्त 1945 को क्या है जब सुभाष चंद्र बोस ताइवान जा रहे थे तो क्या हुआ विमान दुर्घटना में ताइवान में उनकी क्या है मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो ये था हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में संक्षिप्त डिटेल जाना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मालवीय मदन मोहन, यानी मदन मोहन मालवीय के बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। मदन मोहन मालवीय 1861 से 1946 तक ना, तो ये है महामना, इन्हें क्या के नाम से जाना जाता था, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता था। देखिए इन्होंने क्या किया, बनारस यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापन में क्या है सहयोग दिया। किसके संस्थापन में सहयोग दिया, अभी जो है ना यूनिवर्सिटी है ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ना। और क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना, ये क्या है मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1909 में था। और 1921 में ही क्या 1921 में ही क्या है इंपीरियल काउंसिल के लिए चुने गए। किसके लिए चुने गए आपका मदन मोहन मालवीय, क्या इंपीरियल आपका इंपीरियल काउंसिल के लिए चुने गए पंडित मदन मोहन मालवीय ना। उसके बाद क्या प्रसिद्ध हो गया आपका चौरी चौरा कांड में वकालत किए, जब उस समय गांधी जी जब असहयोग चला रहे थे तो समय क्या प्रसिद्ध चौरा चौरी कांड में क्या है इन्होंने वकालत की। ये प्रसिद्ध क्या है चौरी चौरा कांड में क्या है वकालत की। और क्या गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ 1931 में क्या है भाग लिया है, कौन से राउंड टेबल में, सेकंड राउंड टेबल में ना इन्होंने गांधी जी के साथ क्या है गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया। और क्या सविनय, ये आपका सविनय अवज्ञा में भाग लेने हेतु केंद्रीय सभा के सदस्य त्याग पत्र दिया। देखिए अब क्या ना सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसऑबिडेंस में क्या है इन्होंने भाग लेने हेतु क्या है एक केंद्रीय सभा यानी जो सेंट्रल असेंबली की सदस्य से इन्होंने अपना त्याग पत्र नहीं दिया। ओके,
उसके बाद है हिंदू, हिंदू महासभा के संस्थापक के सदस्य थे। अब ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे ना, हिंदू महासभा के सदस्य के संस्थापक थे ना, ये संस्थापक थे सदस्य। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राजगोपालाचारी के बारे में ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो राजगोपाल चक्रवर्ती के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। राजगोपालाचारी चक्रवर्ती 1878 से 1972 तक ना, राजा जी क्या है आपका, राजा जी ने, राजा जी के नाम से नजर था इनको। तो राजा जी क्या है, कुशल राजनीतिक थे ना ये, राजा जी आपका कुशल राजनीतिक थे, स्पष्ट विचारक थे, क्या थे आपका, स्पष्ट विचारक थे, और साहित्यकार भी थे ना, साहित्यकार भी थे, और मद्रास के क्या है मुख्यमंत्री थे। राजगोपालाचारी क्या थे उस समय ना, मद्रास के, आधुनिक नाम चेन्नई के क्या है वो सीएम थे ना। 1947 से 19 सॉरी 1937 से 39 तक वो मद्रास के सीएम रहे। फिर 1947 में ही क्या है ना, अंतरिम सरकार, यानी जो जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल कैबिनेट में जो अंतरिम सरकार में ना क्या है, अंतरिम सरकार में क्या है केंद्रीय मंत्री थे। और 1948 से 50 में स्वतंत्र भारत के, कब, 1948 से 1950 के स्वतंत्र भारत में वो क्या है प्रथम प्रथम एवं अंतिम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये आप याद रखेंगे, भारत के जो अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपका, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। उन्होंने क्या किया, विभाजन का फार्मूला दिया 1943 में। फिर क्या स्वतंत्र पार्टी का गठन भी किया, ये आपका स्वतंत्र पार्टी का गठन किया 1952 में। ओके स्वतंत्र। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं लाजपत राय, लाजपत राय लाला, यानी लाला लाजपत राय बोलते हैं इसको, ये पंजाब के थे ना। तो 1865 से 1938 तक ना ये पंजाब के, ये क्या है पंजाब के प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध आर्य समाजी, कहाँ के आपका, पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी तथा गरमपंथी नेता थे ना। ये क्या है गरमपंथी, गरमपंथी नेता थे कौन आपका, लाला लाजपत राय क्या है गरमपंथी नेता थे, जो पंजाब केसरी के नाम से, किनके नाम से जाना जाता था इनको, इनको आपका पंजाब, किनके नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ओके नाम से प्रसिद्ध था। उसका लाला लाल बाल पाल त्रिकूट के सदस्य, किस सदस्य थे, लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रिकूट के सदस्य थे। उसके बाद है अमेरिका में, देखिए अभी अमेरिका में क्या है होम रूल की स्थापना की, कहाँ की आपका, अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और पत्रिका का प्रकाशन किया, पत्रिका का प्रकाशन किया। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन, कहा आपका कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन, ये आपका ना कलकत्ता में, कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी, कब की, 1920 में। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड AIUC, यानी अखिल भारतीय, ये ना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये ना कांग्रेस के प्रथम प्रथम अध्यक्ष थे। AITUC, यानी एटक, एटक बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन आपका, लाला लाजपत राय ना। उसके बाद वंदे मातरम हो गया, ये आपका वंदे मातरम हो गया, द पीपुल हो गया, दैनिक, दैनिक क्या समाचार पत्र निकला, कौन कौन समाचार पत्र निकला, वंदे मातरम, द पीपुल, ये द पीपुल अब दैनिक पत्र निकाला। और क्या स्वराज्य दल के नेता है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, स्वराज्य दल के नेता थे, कौन थे आपका, लाला लाजपत राय स्वराज्य दल के नेता थे। उसके बाद है साइमन कमीशन के विरोध में, देखिए अभी पंजाब में क्या है ना, जब साइमन कमीशन 1987 में भारत आया, देखिए साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से क्या है इनकी मृत्यु हो गई, देखिए लाठीचार्ज से घायल हुए, घायल एवं मृत्यु होगी। और 17 नवंबर 1928, कब, 17 नवंबर, ये देख रहे हैं 17 नवंबर 1928 में शिक्षा के प्रसार के लिए, क्या यानी एजुकेशन की, शिक्षा के प्रसार के लिए क्या है इन्होंने क्या किया प्रसार में, क्या हंसराज, हंसराज सहयोग से, क्या हंसराज सहयोग से क्या है आपका DAV, डीवी कॉलेज, डीवी कॉलेज कहाँ है लाहौर में क्या है स्थापना की थी। तो ये थे हमारे क्या है लाला लाजपत राय के बारे में संक्षिप्त जानकारी। एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं, करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन, आंदोलन के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस 1894 से 1945 से ना, तो ये बंगाल के कायस्थ परिवार में क्या जन्म लिए थे सुभाष चंद्र बोस। और क्या सिविल सेवा परीक्षा, या आपका ना भारतीय ICS, उस समय क्या है, आज क्या बोलता है, आज क्या बोलता है, आज क्या बोलता है सिविल सेवा परीक्षा को आपका IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से। लेकिन उस समय में क्या है भारतीय सिविल सेवा को ICS, यानी इंडियन काउंसिल सर्विस के नाम से जाना जाता था। तो क्या है इन्होंने क्या भारतीय सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर, देखिए उस समय कितना
कठिन था जो सिविल सेवा परीक्षा, कि उसमें भी ना क्या सुभाष चंद्र बोस ने उस परीक्षा में सिविल सर्विस जैसे कठिन परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त की। देखिए अंग्रेजों ने यह परीक्षा अपने लिए बनाई थी ना कि भारतीयों के लिए, लेकिन फिर भी भारतीयों को इनमें चयन की पद्धति के लिए उन्होंने क्या है इस प्रक्रिया में शामिल होने का क्या हक दिया। उसमें भी कुछ ही भारतीयों को वह सफल होते थे। अब भारत में सबसे पहले जो सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कौन थे, आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ना। 1863 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की पास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये क्या कौन थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ना। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दिया। तो भारतीय सिविल पत्र से सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देकर क्या है असहयोग आंदोलन में क्या है भाग लिया। और 1938 में, कब 1938 में क्या है 1938 में हरिपुरा, कहाँ आपका हरिपुरा कहाँ आपका गुजरात हरिपुरा, एवं 1939 में क्या है त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता की, कहाँ की 1938 में आपका हरिपुरा और 1939 में आपका त्रिपुरा में क्या है त्रिपुरी में इन्होंने क्या सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके नेक्स्ट है 1939 में ही कांग्रेस की, अब देखिए उस समय क्या है कि कुछ गुटबंट हो गया महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में, तो सुभाष चंद्र बोस क्या है नाराज हो गए और उन्होंने अपने कांग्रेस की पद से इस्तीफा दे दिया। ओके, उसके बाद 1939 में ही कांग्रेस सदस्यता से किसकी सदस्य से 1939 में ही कांग्रेस की सदस्य से त्याग पत्र देकर क्या है उन्होंने क्या है आपका एक अलग से क्या है फॉरवर्ड क्या है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और जनवरी 1941 क्या है आपका जनवरी या आपका ना जनवरी 1949 में भारत से पलायन कर, यानी क्या इन्होंने जनवरी 1941 में भारत से बाहर जाकर कहाँ यूरोप में जर्मनी पहुंचे। देखिए जर्मनी पहुंचे, फिर जर्मनी से होते हुए वहाँ क्या 1943 में सिंगापुर पहुंचे, कहाँ पहुंचे 1943 में सिंगापुर पहुंचे वहाँ क्या है उन्होंने क्या आजाद हिंद फौज का, ये ना दिख रहा है ना आपको कि इसका गठन किया आजाद हिंद फौज का, हिंद फौज का पुनर्गठन किया। किसने किया आपका सुभाष चंद्र बोस ने ना आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। उसके बाद क्या है उसके उन्होंने प्रमुख क्या नारा दिया दिल्ली चलो नारा दिया। उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया सुभाष चंद्र बोस ने दिया ना। देखिए दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया और नेताजी के नाम से लोकप्रिय हुए ना, नेताजी के नाम से लोकप्रिय कौन हुए आपका सुभाष चंद्र बोस। फिर 18 अगस्त, देखिए अब उसी समय क्या 18 अगस्त 1945 को क्या ताइवान जाते समय उनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा। अगर आपको कुछ और भी डिटेल नॉलेज सुभाष चंद्र बारे में तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। उसके बाद पढ़ते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में हम संक्षिप्त नॉलेज लेते हैं। 1861 से 1946 इनको क्या के नाम से जाना था, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से लोकप्रिय था ना, ये महामना नाम से लोकप्रिय था। ओके महामना के नाम से लोकप्रिय था। इन्होंने क्या किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो आज शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना BHU, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ BHU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ये वही है बनारस कहाँ है यूपी में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्होंने प्रमुख योगदान दिया और क्या संस्थापन में योगदान दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसके आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1909 में थे। फिर 1921 में ही क्या इंपीरियल काउंसिल के लिए चुने गए, कब चुने गए 1921 में इंपीरियल काउंसिल के लिए चुने गए ना, ये चुने गए। और क्या है प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड में, और उस समय जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो क्या प्रसिद्ध क्या चौरी चौरा कांड में क्या है इन्होंने क्या है वकालत की। और क्या गांधी जी के साथ क्या है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1921 में इन्होंने भाग लिया पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद क्या है सविनय अवज्ञा में भाग लेने हेतु, किसमें आपका सविनय आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने हेतु क्या केंद्रीय सेंट्रल असेंबली किसी सदस्य था भैया आपका सेंट्रल असेंबली की सदस्यता से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने क्या है त्याग पत्र दे दिया। और क्या हिंदू महासभा के संस्थापक के सदस्य किसके सदस्य थे हिंदू महासभा के संस्थापक के ये सदस्य थे कौन थे आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी बोलते हैं ना CR फार्मूला क्या है
तो इन्हीं बारे में है, राजगोपालचारी चक्रवर्ती 1878 से 1972 तक ना। राजा जी, आपका ना चक्रवर्ती राजा जी क्या है, राजा जी क्या कुशल राजनीतिक थे, स्पष्ट विचारक थे, स्पष्ट विचारक थे, और इसके साथ साथ वे क्या एक साहित्यकार भी थे। मद्रास के मुख्यमंत्री, मद्रास के सीएम थे 1937 से 39 तक के, मद्रास के सीएम थे। और 1947 में क्या है आपका अंतरिम सरकार में क्या केंद्रीय मंत्री 1948 से 50, और स्वतंत्र भारत के क्या है आपका, जब भारत स्वतंत्र हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम क्या है भारतीय गवर्नर जनरल थे ना, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। विभाजन का फॉर्मूला दिया, डिवाइड फिर रूल दिया, डिवाइड का रूल दिया 1943 में। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया 1952 में, कब किया स्वतंत्र पार्टी का गठन किया 1952 में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हम लाजपत राय लाला, यानी लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे हम 1865 से 1938 ना। तो हम पढ़ते हैं पंजाब के प्रसिद्ध, किसके यहाँ प्रसिद्ध भाई आपका, ये पंजाब में काफी प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। तो पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी तथा गर्म पंथी नेता क्या थे, पंजाब के प्रसिद्ध क्या, पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी एवं गर्म पंथी नेता थे लाला लाजपत राय। देखिए जो जिनको क्या नाम याद था, पंजाब केसरी, क्या नाम से लोकप्रिय थे, पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय थे, लोकप्रिय थे से प्रसिद्ध थे। और क्या है लाल बाल, क्या है लाल बाल पाल त्रिगुट के सदस्य थे, लाल बाल बाल त्रिगुट के सदस्य थे। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में होम रूल, किसका अमेरिका में होम रूल, ये ना अमेरिका में, अमेरिका में होम रूल, होम रूल की स्थापना किया, पत्रिका का प्रकाशन किया। फिर क्या है कलकत्ता में, क्या है आपका कैलकटा में कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन की अध्यक्षता की 1920 में, कहाँ की आपका कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की 1920 में, किसने की आपका लाला लाजपत राय ने। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, AITUC यानी अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के क्या है लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद है वंदे मातरम द पीपुल, क्या है आपका वंदे मातरम द पीपुल दैनिक पत्र भी समाचार निकाला, और स्वराज्य दल के नेता, किसके नेता थे ये स्वराज्य दल के नेता थे लाला लाजपत राय। उसके बाद है आपका साइमन कमीशन, देखो जिस समय भारत समय जब भारत में साइमन 1927 में आया तो उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो साइमन कमीशन की विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान क्या है वो घायल हुए, और लाठीचार्ज के दौरान ही क्या लाला लाजपत राय की क्या है मृत्यु हो गई, मृत्यु होगी 17 नवंबर 17 नवंबर 1928 में, कब 17 नवंबर 1928 में। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने क्या हंसराज के सहयोग से क्या हंसराज के सहयोग से क्या DAV क्या आपका DAV कॉलेज क्या है लाहौर की में स्थापना की, कहाँ की आपका हंसराज के सहयोग से DAV कॉलेज क्या है लाहौर में क्या स्थापना की थी। तो ये है लाला लाजपत राय भाई पूरी जानकारी। तो आज हमने पढ़ा कुछ प्रमुख व्यक्ति, उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास की वीडियो आप लोग को पसंद आती है। अगर मेरी क्लास की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो ये हमने आज पढ़ा, कुछ एक आध पार्ट और मैं अपलोड करूंगा प्रमुख व्यक्ति के बारे में जिनको आपके बारे जिनके बारे में आप लोगों को सभी को जानना चाहिए। तो हमने सुभाष चंद्र बोस पढ़ा, मालवीय मदन मोहन मालवीय पढ़ा, सी राजगोपालचारी पढ़ा, लाला लाजपत राय पढ़ा, और कुछ नेक्स्ट और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन और जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ओके थैंक यू सो मच।